हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आईपीएस क्लर्क का मेंस एग्जाम आपका हो चुका है। 7 तारीख को ये आपका एग्जाम था। तो अब जो बच्चों का डायरेक्ट मैसेज मुझ पे आ रहा है कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और क्या सेफ अटेम्प्ट हो सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे गाइस। तो देखो गाइस, इस बार ऐसा क्या हुआ जिससे बच्चों के जो अटेम्प्ट्स है वो हो गए लो। अगर हम देखे लास्ट ईयर के अटेम्प्ट्स, अगर मैं देखूं तो उसमें क्या था, बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट कितने थे? 90+ थे, ठीक है। और जो एक गुड अटेम्प्ट्स मतलब जो एक टैलेंटेड बच्चा था वो 110 से ऊपर जा रहा था, बट अगर एवरेज देखो लास्ट ईयर तो 90+ तो आराम से अटेम्प्ट हो रहे थे विद एक्यूरेसी। बट इस बार जो आपके अटेम्प्ट हुए हैं वो थोड़े से लो हो गए हैं। ये किस वजह से हुए हैं? तो ये हुए हैं इस बार रीजनिंग की वजह से। मतलब क्या है, बच्चों के दिमाग में ये तो रहता है कि हमारी क्वांट तो दबा के बजाने वाला है, बट इस बार आपकी रीजनिंग ने भी दबा के बजाई है गाइस, ठीक है। तो बजाने का मतलब क्या है कि देखो, जो अटेम्प्ट्स है रीजनिंग में वो कितने हो रहे हैं, 16, 17, 18, मैक्सिमम तो मैक्सिमम 20 अटेम्प्ट हो रहे हैं। 20 भी वो बच्चा बता रहा हूँ जो टैलेंटेड है, जिसके मॉक टेस्ट में 120 130 नंबर आ रहे थे, उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो मैक्सिमम 20 नंबर में पहुंचा होगा। वो तो 16 17 आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं रीजनिंग में। क्वांट में क्या हुआ बच्चों के साथ, वही उसने दबा के बजाई है, 15 16 14 ऐसे नंबर अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो जो इस बार गुड अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो गुड अटेम्प्ट क्या है, 70 से लेकर 80 के बीच में क्या हो रहे हैं, गुड अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना कट ऑफ वो तो थोड़ा पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या होती है आपकी हर स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है गाइस। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं तो उनकी मैं बात करूं तो जिन बच्चों के अटेम्प्ट, देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक वो बच्चा है जो 70 तक अटेम्प्ट करके आया, एक वो बच्चा है जो 80 90 अटेम्प्ट करके आया, एक वो बच्चा है जो 100+ अटेम्प्ट करके आया। जिन बच्चों के 100+ अटेम्प्ट है वो तैयारी कर लो, आपकी जॉब कन्फर्म है गाइस। अब एक वो बच्चा है जो 70 से कम अटेम्प्ट करके आया, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है आपकी स्टेट में अगर वैकेंसी कम है तो वहां पे चांसेस कम है। बट जो बच्चा 80 से ऊपर करके आया है, इसमें भी कंडीशन क्या है, उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी 90 तक है या उससे ऊपर है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम है, क्योंकि लास्ट ईयर से कट ऑफ क्या है आपकी कन्फर्म है कि गिरने वाली है गाइस। उसमें भी 2 नंबर का माइनस कर लो, ये कंफर्म है कि आपकी कट ऑफ गिरने वाली है गाइस। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपकी 1000 वैकेंसी इसमें एड ऑन किए, अब आपके 5 बैंक ऐसे जो रिपोर्टेड नहीं किए वो आने वाले दिनों में रिपोर्टेड कर देंगे, तो वैकेंसी आपकी अभी 5000 के करीब है, 5500 के करीब है, तो ये आपका आंकड़ा 7 8000 जाने वाला है गाइस। तो अगर आपके अटेम्प्ट 80 से 90 के बीच में है विद एक्यूरेसी, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ गाइस। बट ये होना चाहिए उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए गाइस, क्योंकि आपको पता है क्वांट का लेवल तगड़ा आया था, रीजनिंग का भी तगड़ा आया था, तो बच्चों ने क्या किया, अटेम्प्ट्स इंग्लिश में और जीए में बढ़ाने की कोशिश की है। उसमें क्या होता है, आपको पता है कि इंग्लिश और जीए ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% एक्यूरेसी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है गाइस, क्योंकि जो जीए का सेक्शन आता है तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या होता है, हाथ काम करना शुरू हो जाता है माउस पे, 1 से 2 क्वेश्चन हम क्या करते हैं, लगा ही देते हैं, तो क्या पता सही हो जाए, क्या पता हमारे अटेम्प्ट थोड़े बढ़ जाए, उस चक्कर में रहता है बच्चा। इंग्लिश में भी वो क्या करता है, उसमें क्या होता है 50-50 थोड़ा सा होता है तो वो लगा ही देता है गाइस। इस चीज में क्या होता है, थोड़ी सी एक्यूरेसी इंग्लिश और रीजनिंग, सॉरी इंग्लिश और जीके में क्या होती है, एक्यूरेसी खराब हो जाती है गाइस। तो लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपके अटेम्प्ट 80 मतलब मैं कहूँ 70 से ऊपर, 70 75 80 85 90 के आसपास है विद एक्यूरेसी होनी चाहिए, मैं पहले आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि आप दबा करके आ रहे हो गाइस। मैं लास्ट ईयर की एक बात करूं, लास्ट ईयर एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने 132 या 133 किए थे, 132 133 किए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ।
और एक वो बच्चा था जिसने 87 किए थे और उसका आईबीपीएस क्लर्क हो गया, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ क्लर्क जॉब कर रहा है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हो नहीं करते हो। अगर एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हो, चाहे कोई भी एग्जाम है, मानो प्री हो चाहे मेंस हो, आराम से निकल जाएगा एक्यूरेसी के साथ अगर उसको अटेम्प्ट करते हो। अब जिन बच्चों का पेपर खराब हो गया, अब वो क्या करे, आईएलपीएस पीओ मेंस पे फोकस करे और एसबीआई प्री पे फोकस करेगा। ठीक है, आने वाले दिनों में आपके बड़े दो एग्जाम है, आराम से आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, इंस्टा पर मुझे मैसेज कर देना गाइस। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मेरे माँ बाप, मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।